हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मोस्ट अवेटिंग अपडेट जिसका सबको था इंतज़ार, राम मनोहर लोहिया बीएड सेकेंड ईयर का आखिर फॉर्म कब भरा जाएगा, जिससे छात्र बिल्कुल ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे, परेशान थे। आखिरकार यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन कि एग्ज़ाम फॉर्म 15 सितंबर से भरा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी की लेटेस्ट अपडेट यूट्यूब पर सबसे पहले मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम फॉर्म बीएड सेकेंड ईयर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय का एग्ज़ाम फॉर्म 15 से भरा जाएगा और 24 तारीख है अंतिम तिथि। आइए मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा दूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय 13 तारीख का ये नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द्वारा सूचित संबंधित सूचित किया जाता है कि बीएड द्वितीय वर्ष, देखिए यहाँ से बीएड द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा समापन कराने जाने हेतु आवेदन फॉर्म एवं ऑनलाइन परीक्षा शुल्क दिनांक 15, यहाँ देखिए आपको फिर से यहाँ पे अपडेट करा दें, 15 से शुरू हो रहा है परीक्षा फॉर्म और दिनांक 24 तक भरे जाएंगे। 15 से तो 24 तक बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों का फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ साफ दिया गया कि महाविद्यालय से अपेक्षा की जाती है कि पूरित आवेदन पत्र का ऑनलाइन सत्यापन, ओके, तो महाविद्यालय को 27 तक वेरिफिकेशन कर लेना है, बच्चों को फॉर्म 15 से 24 तक भर देना है और परीक्षा आवेदन पत्र एवं छात्र की उपस्थिति विवरण परीक्षा ओके और महाविद्यालय को 28 तक सारी डिटेल्स यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर देनी है। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्म की अपडेट यही है कि 15 से बीएड सेकेंड ईयर की रेगुलर फॉर्म भरी जाएगी, 24 तक लास्ट डेट होगा। और मैं आपको बता दूं कि 2700 रुपये का आपको पेमेंट करना है, जो कुछ बच्चे भर चुके हैं तो उसमें आपको 2700 रुपये का पेमेंट करना है। आप ऑनलाइन से पेमेंट करा सकते हैं, ठीक है। 15 को आपको लिंक अवेलेबल करा दिया जाएगा वेबसाइट के पोर्टल पर। और बाकी फॉर्म कैसे भरना है स्टेप वाइज आपको मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ इस चैनल पर, और अगर आप नहीं देखें तो फिर से देख लीजिएगा और फिर से एक बार मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दो अपडेट आ रही है, पहला कि आपको फॉर्म 15 से भरा जाएगा बीएड सेकेंड ईयर रेगुलर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, 24 तक भरा जाएगा, वेरिफिकेशन कॉलेज को 27 तक कर लेना है और लास्ट 28 तक यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर देना है। देखिए सबसे एक और महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर दी जा रही है, वो ये है कि आवेदन पत्रों का, यानी कि स्टूडेंट जो है वो आवेदन पत्रों का सूक्ष्मता से स्वयं निरीक्षण कर ले। अगर आपके नाम संबंधी कोई त्रुटि होती है तो छात्र एवं महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अभी की ये 13 तारीख की खबर है, मैं आपको अपडेट कर दे रहा हूँ। और बाकी सारे अपडेट्स के लिए, अवध विश्वविद्यालय संबंधी कोई भी अपडेट के लिए आप चैनल पे जुड़ जाइए, और जैसे ही अपडेट, फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो अवध विश्वविद्यालय के सेकेंड ईयर के बच्चे खुश हो जाएँ, मैंने उनसे वादा किया था कि जैसे ही फॉर्म आता है मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा, और फाइनली यहाँ पर फॉर्म आ गया है। तो आप फॉर्म 15 से भर सकते हैं, आज 13 तारीख है, आप 15 से भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही फॉर्म 13 को लिंक आ जाएगी पोर्टल पे, आपको वहाँ पे फिर से दोबारा अपडेट कर दिया जाएगा, आप लोग भर दीजिएगा और चैनल से जुड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए इस अपडेट के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई समस्या आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बिना किसी झिझक के। ओके, जय हिंद, जय भारत, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, अपना खूब ख्याल रखें।